ਅੱਜ ਜੱਟ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾਲੇ ਤੇ ਗੋਤ ਲਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਆਜ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਨਾਇਕੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟੋਰ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਂ ਬੜੀਆ ਸਮੈਕਸੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਰੀਦ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। अभी यार सुबह सुबह ना ठंड हो गई है, बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। 6 डिग्री और है तो इसलिए मैंने हुडी पहन ली है, जैकेट पहन ली है। और आती जाती ठंडी ना बंदे को मारती है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। जैसे आपको पता है मेडिकल यहाँ का कैसा है, आपको वेटिंग कितनी करनी पड़ती है कहीं भी आप जाओगे। इंडिया वाला सिस्टम तो नहीं है, तो इसलिए अपने आप को खुद ही बचा के रखो। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो टेक केयर। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं डिक्सी मॉल। दोस्तों पहुंच गए यहाँ पे अभी, लेकिन अभी स्टोर बंद है, 10 बजे खुलेगा। हम 9:30 पहुंच गए हैं, पहले ही पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो गाइस यार शूज तो नहीं मिले आज हमें, ठीक है, पसंद नहीं आया वहाँ पे, कुछ खास वैरायटी नहीं थी, तो शूज़ ड्रॉप कर दिए हैं हमने आज। और बाकी हम विनर्स में आ गए हैं, जैकेट्स देखने हैं। मॉम डैड को विंटर जैकेट्स लेके देनी थी, तो वो शॉप करने आए हैं। और कई अभी सेल भी लगी हुई है जैकेट्स पे, देख ही सकते हैं आप, सही प्राइस में अभी लगी हुई हैं। जैकेट्स लेते हुए अपना उसके लेबल ज़रूर देखें कि इंसुलेटेड है या नहीं है, कितने टेम्परेचर तक है। डैड को ब्लैक वाली पसंद आई है गाइस, ये देखो जो इसकी लेबल पे लिखा हुआ है। ये देखो इसके अंदर टेम्परेचर लिखा होता है, जैसे -20 तक है ये, -10 -20। तो ये सब जरूर देखें जो आप ले रहे हैं। तो डैड जो कैनेडियन गूज नहीं देखी थी हमने परसों, उसके उसके फायदे डाले हुए हैं इसके अंदर काट के। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं गाइस ऐसा सच नहीं है, इसमें वीगन इंसुलेशन भी होती है। तो गाइस नाइकी में तो कुछ ढंग का माल नहीं मिला मेरे को पसंद का, लेकिन रिप ऑफ में मेरे को ये मिल गए हैं शूज, ब्लैक लेदर वर्क शूज मिल गए हैं मेरे को, काफ़ी सॉलिड हैं, सॉफ्ट लेदर है। ये हमको पड़ गए $109 के। यार गाइस जैकेट भी हमने ले लिए, लेकिन बड़े स्कैमर हैं यार ये लोग। बोर्ड पे लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम 79-69, लेकिन अंत में हमें 200-200 की एक जैकेट पड़ी है। तो हाँ जी गाइस फाइनली वी आर बैक फ्रॉम डिक्सी आउटलेट मॉल। हाँ सुबह 8 बजे निकले थे और हम 3 बजे शाम को वापस आए हैं, अच्छी खासी लंबा टाइम लगा के आए हम, लेकिन सामान ज़्यादा नहीं लेके आए हम। 2 जैकेट्स लिए हमने, एक शूज़ लिए हैं, क्योंकि यार जो चीज़ें पसंद थी ना उस पर अच्छी डील नहीं मिली। पिछली बार जब मैं वहाँ पे गया था नाइकी स्टोर अपना, मेरे को बहुत सी शूज़ मिल गए थे, वो भी सही प्राइस में। इस बार जो मेरे को अच्छे लग रहे थे यार, वो फिर इतने कुछ खास डिस्काउंट पे नहीं थे, अच्छे सेल पे नहीं मिले मेरे को, तो नहीं लिया वहाँ से सामान। जैकेट्स ले ली, वो भी हमें थोड़ी मतलब जो सेल पे थी ना उनकी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, और इन पे इतना कुछ अच्छा डिस्काउंट नहीं था। शूज़ ले लिए मैंने, रिबॉक के ले लिए, वो अच्छे हैं, बट अगर वो मिल जाते और अच्छी डील पे तो मज़ा आता। तो मैंने जाते हुए पूछा भी बंदे से कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि डील अच्छी कब चल रही है, आपकी सेल कब चल रही है। कहता सर अभी पिछले वीकेंड सेल हुई है। मैं कह अरे तो अपना कार्ड वार्ड दो, तो लिया उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल डलवाई उसको, तो कहता आगे से भेज देंगे आपको। मैं कह ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हम वापस आ गए और अब जाके चाय शाय पियेंगे और क्या। पूछा मैंने कुछ बाकी यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना,
बाकी सामान चाहिए हो तो अगर आप ब्रैम्पटन में हो, मिसिसागा में हो, टोरंटो में हो तो यहाँ जाओ, डिक्सी आउटलेट मॉल है, मिसिसागा के एकदम एंड पे है। तो यहाँ पे किस्मत का खेल तो खैर रहेगा ही कि आप कौन से दिन गए, उस दिन आपके पसंद की चीज आई, उस पे डील लगी। पर हाँ, नॉर्मली आपको रिटेल आउटलेट से तो अच्छा ही यहाँ पे दाम मिल जाएगा, तो ट्राई जरूर करें अगर सामान लेना हो तो यहाँ पे जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।